सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज हुआ क्या था भाई कि सुबह के समय में मैंने भी कबूतर खोल रखे थे और जो इधर पास में एक बंदा है उसने भी कबूतर खोल रखा था और उसने 12 या 13 कबूतर उड़ाया होगा। मैंने गिनती नहीं मारा था लेकिन ऐसे देखने में गाइस ज़्यादा कबूतर लग रहे थे। ठीक है, तो अपना दोस्त ही है वो भी, लेकिन जो अपने 5 कबूतर है वह भी उड़ गए। तो 5 में से गाइस 5ों जो है पहले स्टार्टिंग में एक साथ उसके कबूतर के साथ मिले और कुछ टाइम उड़े। उसके बाद गाइस जो मेरे 4 कबूतर है वो धीमे धीमे ऊपर उठना स्टार्ट कर दिए और आसमान बंद हो गए। ठीक है, और जो गाइस एक कबूतर है जो कागजी वाइट वाला आप देख रहे हो, वो कबूतर गाइस उसी के कबूतरों के साथ उसके छत पर उड़ रहा था। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास था कि ये कबूतर चाहे जो हो जाए उसके पास नहीं उतरेगा। ठीक है, क्योंकि गाइस कबूतर किसी और कबूतर के साथ उड़ना और किसी और के पास उतरना दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, तो गाइस मैंने जो है उसको कॉल भी किया यही बताने के लिए कि भाई मेरा एक कबूतर तेरे कबूतर के साथ उड़ रहा है, तेरे 12-13 कबूतर उड़ रहे हैं उसमें एक कबूतर मेरा उड़ रहा है, उसको तू उतार ले। ठीक है गाइस, मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था वो नहीं उतरेगा, लेकिन बस मेरे को देखना था कि अगर कोई बंदा इसको उतारता है इतने कबूतर के बीच में घुस के तो उतार पाता है कि नहीं। ठीक है, और गाइस मुझे ये भी पता था अगर बाई चांस उतर भी जाएगा तो बंदा रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न क्या, मैं जैसा बोलूँगा कि भाई रखे रहे मैं आ रहा हूँ लेने या उड़ा दे, जैसा मैं बोलता वो वैसा कर देता, इसीलिए मैं उसको कॉल कर रहा। ठीक है, लेकिन गाइस मेरे को पहले से ही पता था भाई कि वो कबूतर चाहे जो हो जाए नहीं उतरेगा, और वैसा ही हुआ। कुछ समय उड़ने के बाद गाइस वो तो आया ही आया, एक कबूतर उसके साथ में और वो लेके आया। ठीक है, एक कागजी पट्ठा था उसके साथ में आ गया और गाइस धीमे धीमे अपने छत पे उतरा पर देते देते और उस पट्ठे को भी उस छत पे बैठा दिया उस कबूतर ने। ठीक है, तो गाइस मतलब मैं भी जो है उसके कबूतर पकड़ के रिटर्न कर देता हूँ। सो गाइस जैसे ही वो पट्ठा भाई छत पे बैठा वैसे ही मैंने उसको कॉल करके पूछ लिया कि अगर तू बोले तो मैं इसको उड़ा देता हूँ, नहीं तो पकड़ लेता हूँ किसी को भेज दे। तो उसने बोला नहीं पकड़ लो, क्या पता उड़ाने के बाद इधर उधर और भटके। ठीक है, क्योंकि अभी पट्ठा है तो उसने बोला आप पकड़ लो, मैं एक बंदे को भेजता हूँ, आप उसे दे देना। ठीक है, सो गाइस उस कबूतर को पकड़ लिया गया और कबूतर रिटर्न भी कर दिया गया। तो जाओ अब वो वीडियो भी देख लो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो गाइस ये देख सकते हो भाई, ये एक कबूतर आके बैठ चुका है, अपने दोस्त का ही कबूतर है, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न कर देंगे उसको कबूतर। वो देख सकते हो आप, उधर कबूतर उड़ रहे हैं, इधर अपने 3 इधर आपको दिख रहे होंगे और एक उधर उड़ रहा है। ठीक है, और वहाँ पे उसके उड़ रहे हैं, ये भाई अपने छत पे आ गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करते उसके बाद वो करते। ठीक है, पट्ठा है भाई, अभी कागजी पट्ठा है, ले आ आ आ आ, आ, आ। ले आओ आओ ले आ आओ 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 ले आ आ आओ आओ ले आ आ आ आओ आओ। तो गाइस क्या है भाई, कबूतर थोड़ा उसको परेशान कर रहा है अपना और वो बच्चा है डर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा पानी छपछपा देते हैं, पानी देख ले क्योंकि कबूतर भाई उड़ा हुआ है, 100% ये प्यासा होगा। ले आ आ आ आ आ आ आ गाइस, कभी भी अगर कोई कबूतर आप उतारो और वो अगर उड़ के आ रहा है कबूतर तो उसको पानी दिखाने की कोशिश करो, क्योंकि भाई देखो पानी जो है, कबूतर उड़ के आते हैं तो प्यासे होते हैं। ठीक है, तो पानी पे बहुत जल्दी आते हैं कबूतर। आओ 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 आओ, अभी देखो वो देख रहा है कि भाई अपना घर कहाँ पे। ठीक है, और ऊपर मेरे कबूतर ही उड़ रहे 4, उसके सारे के सारे बैठ गए, ये देखो। आओ 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 ले आ आ आ मेरा पट्टा जूना, ये देखो भाई जैसा मैंने बोला था अपने दोस्त का, ये आ गया ये। ठीक है गाइस, मतलब हुआ क्या था कि ये लोग ने पूरा अपना झुंड उड़ाया था, मेरे 5 उड़े थे, 4 उड़ रहे, मेरा जो कागजी कबूतर है जिसका पाँव मोचे वो इनके झुंड में घुस गया था अकेले, देखे थे उसको उड़ते हुए। तुम्हारे कितने कबूतर उड़ रहे थे उस समय पे? 7-8 कबूतर में अकेला कबूतर घुसा था वो। तुम लोगों में फ़ोन भी कर रहा था कि उस कबूतर को उतार लो, मैं फोन छोटू लिया था। अरे छोटू को ही कर रहा था ये, इसीलिए मैं कर रहा था कि कागजी मेरा एक नर घुसा हुआ है उसको उतारो। अब सोच ले कितना दम रखता है मेरा कबूतर।
तुम्हारे 7-8 कबूतर में से घुस के एक कबूतर उठा लाया। अच्छा कबूतर है ये, अभी बहुत बढ़िया उड़ रहा था। आसमान बंद मारते इसकी मर्जी के साथ। मेरी मर्जी, मैंने उसको ले लिया। कौन सी मर्जी? मेरी मर्जी चोरी हो गई, इतना मिल गई। सतीश चोरी कैसे मिल गई? अच्छा मतलब ये कबूतर मैं देखा था सतीश के पास, उसने दिखाया था मुझे, बोलता है कि उतारा था मैंने। उतारा नहीं, मेरा है। सतीश के पास ये था कि नहीं? यहाँ मेरा उतार लिया गया। बस रुक जा, फेंक मत। पर अभी चार आ रहे। एक और कबूतर आया भाई, ये किसका कबूतर है? इसमें एक और आ गया है, उतार लो, मत देना। सो गाइस, ये भी एक कबूतर जो है किसी और का है। अब देखो किसका है, साइड हट रहा भाई कबूतर, अपना नहीं है वो। नहीं फड़क फड़क मत दे। सो गाइस, सबसे पहले भाई इसको पकड़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आएगा तो आएगा, वैसे बच्चा लग रहा है, आ जाना चाहिए। थोड़ा साइड हट जाओ, आओ। तो गाइस ऊपर ही पकड़ लिया है कबूतर को। रुक जा रुक जा, ठीक है। शौक करा कबूतर का। तो ये देख लो भाई, ये है कबूतर और इसका पंख। ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने? सचिन की। ये क्या पागल बनती है? सचिन किया। आँख का शौक कर लो भाई, मकवाई आँख में कबूतर है कागजी, बहुत सही कबूतर है। हाई फ्लायर की, लो फ्लायर है? लो फ्लायर है। पंजों का शौक कराओ, वाइट नाखून का कबूतर है, उससे कुछ नहीं होता। ये तो बचपन से होगा ना? हाँ। इसका नाखून कैसे टूट गया पता नहीं, इसे बचपन से टेढ़ा टेढ़ा निकल रहा था। मत कर, मत मत छेड़ मत छेड़ मत छेड़। वो आएगा जल्दी, जितना क्या तो खेल तुम्हारा देगा। मतलब मतलब जैसे ही ये उतरा वैसे ही तू वहाँ से चल दिया? हाँ। जान दे जान दे, तुम ही लोग का है ना? नहीं है। मेरे कहाँ पे उड़ रहे हैं? तो आपके सामान बंद हो गए होंगे। रुक जा कि मेरे अभी एक भी नहीं आया, चार में से एक भी नहीं आया। कोई ठिकाना नहीं है भाई, हवा चल रहा है, कबूतर दाना पानी खा चुके हैं। कहाँ पे? ये चार उड़ रहे हैं। टकली मेरे को लग रही है। यहाँ अपने उड़ रहे भाई चार कबूतर। कैसे उड़ रहे थे मेरे? पांचों गए थे उधर, लेकिन कोई भी वो हुआ? एक तो चारों तो मेरे ऊपर चढ़ गए थे, वो तो तुम्हारे कबूतर के साथ घूम रहा था। क्या हुआ? नीचे देखो, पर्ची लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई अब इस भाई ने भी बोल दिया है, ठीक है, जो छोटा भाई अपना बोल दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। मैं पहले ही समझ गया था, मकवे के साथ में आ रही थी ना, तो मेरे को पता चल गया था कि वो तुम्हारे झुंड में एक कबूतर लेके आएगा ही, घुसा है तो। मैं बोला कि यार किसी के पास उतरा नहीं आज तक ये। उसके बाद अपना पूरा कबूतर दिया तो कोई उतरा, मैंने सोचा नहीं उतरेगा, उतर गया पर पता नहीं कैसे उतर गया और ऊपर ही पकड़ा गया। मतलब हम लोग से, मतलब कोई आदमी से डरता नहीं था। कबूतर कबूतर अच्छा है, इसका ऐसे पागल जैसा मत करो। अब नहीं करेंगे ना, बहुत पहले किया था, बहुत पहले, बहुत आई 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 सारी बांडी, आज बांडी पता नहीं क्या बहुत। चलो गाइस, तो अब ये जा रहा है भाई, अपने कबूतर और ऊपर चले गए, ठीक है। हल्का फुल्का दिख रहे दो कबूतर, देखो वहाँ बिंदी बन चुके दिख रहे नहीं? वो देख वहाँ बिंदी बने हुए कबूतर। हाँ हाँ दिख रहे, दिखे दो दिख रहे। सात कैसे उड़ रहे अपने कबूतर? अच्छे उड़ रहे। चल भाई गाइस, बहुत तेज़ धूप हो रखी है, तो मैं भी मतलब नीचे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अपने नीचे वाले रूम में बैठूँगा, क्योंकि भाई पूरा सर गरम हो गया है छत पे, आप देख सकते हो, थोड़ा भी मतलब छा नहीं है इसलिए। और भाई कबूतर बिल्कुल मतलब आसमान में दिखना बंद हो गए हैं, दो कबूतर हल्का हल्का नज़र आ रहे हैं बस, और दो तो एकदम आसमान बंद हो चुके हैं। चल भाई लेके जाते हैं।